सोलन नगर निगम में जीत हासिल करने के बाद कर्नल धनीराम शांडिल ने नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य पार्षदों के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष संजीव ठाकुर, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। धनीराव शांडिल ने कहा कि सोलन में उनकी टीम संजीव ठाकुर और अंकुश सूद काफ़ी समय से शहरवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे थे, जो नगर निगम के चुनावों में जीत का आधार बने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नगर निगम चुनावों में एकजुटता का परिचय दिया, यही वजह रही कि भाजपा सत्ता में होते हुए भी जीत ना सकी। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने जीत हासिल कर उसकी नींव रख दी है। उन्होंने कहा कि जो वायदे चुनावों के दौरान कांग्रेस ने शहरवासियों से किए हैं, वह उन्हें जल्द पूरा करेंगे। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करके दिखाती है, इसलिए जो वायदे उनके द्वारा चुनावों के दौरान सोलन की जनता को किए गए हैं, वह उन वायदों को पूरा करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों ने मंथन करना आरंभ कर दिया है, ताकि नगर निगम को किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो और शहरवासियों को राहत भी मिल सके। धनीराम शांडिल ने शहरवासियों से 2 माह की मोहलत मांगते हुए कहा कि वह 2 माह के भीतर किए गए सभी वायदे पूरे करेंगे। उन्होंने कहा कि हर घर से निःशुल्क कूड़ा उठाया जाएगा और पानी का बिल भी केवल 100 रुपये लिया जाएगा। सफाई व्यवस्था पे, स्वच्छता पे सबसे पहला फोकस इस हमारे सभी माननीय काउंसिल का होगा और शहर साफ दिखे। शहर की नालियाँ जो बहुत कई बार सड़ांध से, मैं तो जो व्यापारी वर्ग बेचारे ड्यूटी भी करते रहते, मैं कई बार देखता था अपना जाने कैसे करने, उस ओर हमारा फोकस रहेगा और इसमें कोई ज़्यादा धन इत्यादि खर्च की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, करने की बात है, हमने खुद करके देखा हुआ है। जब नहीं किसी जगह में सफाई होती तो हम खुद रोल अप कर देते थे स्लीव और हो जाती थी सफाई। अभी भी मैंने यही कहा है सब अपने काउंसलर्स को और मेयर और डिप्टी मेयर हमारे साथ ही खड़े हैं, ये भी अपने सब कटिबद्ध होके सबसे पहले शहर को साफ करेंगे, नंबर वन। उसके बाद बात रह जाती है आपके पास पानी के वितरण प्रणाली की। पानी की कोई कमी नहीं है, जितना लीकेज है उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। जितनी जगह की हमारी नालियाँ चेंज करनी है एट द लास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको करेंगे। सारी की सारी नालियाँ जो आपकी ऐसी चल रही है जो कि सीवरेज के साथ है, उनको सेपरेट किया जाएगा, पानी स्वच्छ जाए, पेयजल में किसी प्रकार की कमी ना आए, इस ओर हमारा बहुत ध्यान रहेगा और ये आप देखेंगे विद इन ए मंथ ये सब चीज़ें हो भी जाएंगी। खेत वो जो हमारा काम है उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट बना लिया गया है कि हम किस प्रकार से अपने टाउन में इतना पैसा अगर कम करेंगे तो किस प्रकार से आगे का काम चलेगा, इस बारे में हमने रणनीति भी बना दी जाएगी और आप लोग शीघ्र ही पता भी लग जाएगा। आप सिर्फ हमें लगभग 2 महीने का समय दीजिए, आप देखेंगे कि ग्राउंड पर किस तरह से उतरता है और इससे हमारे किसी भी प्रकार की प्रावधान में या फाइनेंशियल बजट में कमी नहीं आएगी। सिर्फ हम चाहते हैं आपसे 2 महीने का हमें समय देंगे, आप देखेंगे पटरी उतरेगा।